नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक साबित हुआ है, जहां 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। यह मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थारूर के बीच हुआ। 24 साल बाद कोई गांधी परिवार से बाहर का सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। यही नहीं बल्कि कांग्रेस के 137 साल बाद इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए 6ठी बार यह चुनावी मुकाबला हुआ है। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। वहीं कांग्रेस पद के लिए इस चुनाव में के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में AICC कार्यालय में अपना वोट डाला। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा शिविर में पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाला। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोनिया और प्रियंका वोट डालने वहां पहुंचे हुए हैं। मनमोहन सिंह ने भी अपना वोट डाला है और राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद है। विभांशु, कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है, जहां पे शशि थारूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में चुनावी मुकाबला हो गया है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी और आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, शशि थारूर उतने शायद ही मजबूत उनके सामने नहीं आ पा रहे हों? एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला है ये, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर आज देखा जाए तो कांग्रेस के नया अध्यक्ष का जो प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है। 9,000 डेलीगेटों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर बात की जाए तो देश भर में 68 केंद्र बनाए गए थे। इन 68 केंद्रों पर अगर देखें तो सभी जो कांग्रेस के PCC के डेलीगेट्स हैं उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है। वहीं मनीष जी, आपको बता दें कि 137 साल के इतिहास में ऐसा 6ठी बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो 9 बजे से मतदान हुआ और 9 बजे से 68 केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के तौर पर अगर माने जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में अपना मताधिकार का प्रयोग किए और उनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो देखे कि कांग्रेस पार्टी का ये अध्यक्ष का चुनाव में किसी की हार और किसी की जीत नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि जो भी जीतेगा वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का कुर्सी है उस पर विराजमान होगा। साथ ही मनीष जी, आपको बताएं कि लगभग अगर देखा जाए तो 22 सालों में कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसमें बदलाव होगा और लगभग 24 सालों के बाद जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कलंक लगता था कि वो एक परिवारवादी पार्टी है, उसके अध्यक्ष हमेशा एक ही परिवार के लोग रहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं पूर्व विराम लगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 24 साल के इतिहास में पहली दफा कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का जो कुर्सी होता है अध्यक्ष का उस पर विराजमान होगा। मनीष जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जब प्राइम टीवी ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर वहां कवर करने पहुंची तो वहां देखे तो 1250 से अधिक लगभग जो PCC के मतदाता है वो आए थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो केंद्र सरकार है उसकी नीतियां हैं उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष होगा उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे अध्यक्ष का और उसके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और जनता की जो लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस करती थी वो करते रहेगी। और उनका ये भी कहना था कि सुई से लेकर रेल तक कांग्रेस पार्टी के शासन में निर्भर हुआ है और देश का कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनल जो ताकतें हैं वो देश के अंदर में तेज हो गई हैं और इसका अगर सीधे कोई अगर मजबूती से मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं आपको बताएं कि जब प्राइम टीवी की टीम ने वहां तमाम वरिष्ठ नेताओं, चाहे बात की जाए तो MLC जो कि पूर्व में MLC रहे हैं दीपक सिंह, उनका कहना है कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दी है वो नारा अभी भी चल रहा है और उस पर सालों तक हम काम करेंगे। महिलाओं का जो अधिकार है वो कांग्रेस ने ही दिलाने की शुरुआत की थी और आगे भी उसकी करती रहेगी। और वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो कांग्रेस के प्रति बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम आएगा। वहीं मनीष जी, आपको बताएं
कि आज जब 4 बजे वोटिंग थम गई तो एक अगर देखें तो पूरा सेवा दल के हाथों में मतदान की प्रक्रिया थी और जो तमाम पेटियां हैं, जो मत पेटियां हैं उसको लाकर और प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय पर रखा जाएगा और 19 तारीख को जो पेट जो जिसमें मतदान जो तमाम 9000 से ऊपर डेलीगेट्सों ने अपने मतों का प्रयोग किया है उनकी मत पेटियों को खोला जाएगा और उसमें 19 तारीख को ये कहना साफ होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मा है वो किसको मिलता है। मगर अगर बात करें हवा की तो कांग्रेस का जो पीसीसी मेंबर है डेलीगेट्स हैं अगर देखें तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कुर्सी पर विराजमान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अगर देखा जाए तो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और 9 बार के विधायक प्रमोद तिवारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिए और तमाम वरिष्ठ लोगों ने समर्थन दिया है। मगर मुकाबला जो है वो कड़ा है और 19 तारीख को ये साफ होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन बैठेगा। जी मनीष जी। जी विवांशु, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम है कि इन्होंने कांग्रेस पर अध्यक्ष पद के लिए कोई बाहर से एक कैंडिडेट निकाल के लाए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं और उनके सामने शशि थारूर कितने 9800 में कितने मत पा पाएंगे ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की झड़ी लगी है और हर रोज कोई ना कोई बात को लेकर मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा डाल दिया गया है और उसका रखवाली के लिए 2 गार्ड तैनात कर दिए गए हैं जिससे कोई भी वाहन अंदर प्रवेश ना कर सके। इसके बाद प्राइवेट वाहन से भी आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिससे लोग काफ़ी नाराजगी है, मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में ठप व्यवस्थाएं पूरी पड़ी हुई हैं, बाहर ताला डाल दिया गया जिससे आने वाले मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हरदोई से हर्षराज मौजूद हैं। हर्षराज, हरदोई में मेडिकल कॉलेज की अवस्थाओं की झड़ी लगी बताई जा रही है और वहाँ पे मेन गेट पर ताला भी जड़ दिया गया है, आने जाने वाले मरीजों को काफ़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, अपने ईमानदारों को लेकर घूमना पड़ रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? मनीष जी, आपको बता दें कि जब से ये जिला अस्पताल महिला अस्पताल जब से मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ तब से अव्यवस्थाओं की झड़ी लग गई है। जैसे यहाँ पे कई बार जब मरीज अपने लेके आते हैं तो वहाँ पे दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, उस पर दोनों जवान तैनात कर दिए गए हैं जिससे जब तक पूछताछ और होती है और गेट खुलता है तब तक मरीज हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब इस बाबत इनसे प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ पे चोरी बाइक कई बार उठ चुकी है, इस वजह से ताला डाला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी अमला जो है बराबर ही है, अपनी व्यवस्थाएं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाओं को ठेल रहे हैं। जी हंसराज, जाहिर सी बात है वहाँ आने वाले मरीजों और ईमानदारों काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जब आपने उन लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था इस पे? वो कह लगातार यही शिकायत कर रहे हैं कि हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब तक मैं पूछताछ करता हूँ हमारी मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सही बात है, प्रदेश भर के जिलों से मरीज आते हैं अपनी इलाज कराने के लिए और इन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है। हंसराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में लगातार बारिश के बाद शहर में डेंगू और डायरिया जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। डेंगू के 100 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं तो वहीं 9 मरीजों में डायरिया की पुष्टि हो गई है। लगातार डेंगू और डायरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या देख डीएम ने निर्देश दिए हैं। हमारे पास कम से कम 24-25 मरीज तो भर्ती होकर ठीक हो चुके और कम से कम 200-300 तो ओपीडी में आते हैं बुखार वाले, जिनकी जाँचें हो रही नियमित तौर से। पिछले महीने 45 पॉजिटिव भी आए थे। हमारे यहाँ सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, वार्ड बना दिया है मच्छरदानी समेत, फिजिशियन भी हैं, बच्चों वाले साथ जो डॉक्टर हैं, दवा मिल रही है, कोई अभी तक ईश्वर के पास डेथ भी नहीं हुई है जो कि अच्छी बात है। कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, प्रदेश भर में काफ़ी बारिश हुई है जिसको देखते डेंगू और डायरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वहीं कानपुर में भी डायरिया के 100 से अधिक मरीज सामने आए हैं और डीएम भी इससे काफी चिंतित था, उन्होंने निर्देश भी जारी किया, इसको लेकर आपके पास क्या खबर है? जी मैं आपको बता दूं कि कानपुर में और कानपुर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से डेंगू का कहर जारी है
उसी की तरफ एक तरफ कानपुर में भी डेंगू का कहर जारी था। हालांकि कानपुर में अभी कोई इतनी चिंताजनक बातें नहीं है, क्योंकि लगभग अभी तक डेंगू के 45 से 50 मरीज भर्ती हुए थे जो कि सही सलामत डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इसके अलावा डायरिया के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। हालांकि डीएम ने सही समय पर और सही इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर दी है। टीम गठित के साथ हैलट और उसला जितने भी सरकारी अस्पताल है सीएससी केंद्रों में डेंगू के मरीजों को खासकर से जो इस टाइम वायरल फीवर हो रहा है फिर इन सब चीजों के चलते जांच करने के स्पेशली आदेश दिए हैं। अनिल, कानपुर में व्यवस्थाओं को लेकर बात करी जाए तो वहां पे छिड़काव की क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? जी हालांकि जब मीडिया में सारी चीजें चलना चालू हुई उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है। इससे पहले तो प्रशासन सो रहा था। जब प्रशासन जागा है तो इसको लेके डीएम ने खुद इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर सारे अधिकारियों को और नगर निगम को आदेश दिया है कि जगह जगह पर जहां भी पानी रुक रहा हो, जहां भी नाले की जहां भरा हो, जहां तालाब हो, जहां पे बड़ी बड़ी नालियां हो जिसमें पानी का रुकाव होता हो तो वहां पे जांच के आदेश दिए हैं। उसके अलावा अगर इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं तो उस पर तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और आगे इसमें कोई अगर दोषी पाया जाता है इस पे उस पे भी कार्रवाई करने की बात कही। और स्पेशली नगर निगम को इसका आदेश दिया गया है कि घर घर जाके जहां भी कूलर का पानी और गमले का पानी रुका हुआ है वहां की जांच की जाए और जो अगर कुछ डेंगू मच्छर जिनसे डेंगू फैलता है उन मच्छरों के हल्के भी उनके लार्वा पाए जाते हैं तो उनको हटाया जाए। जी अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरुखाबाद में छात्रा ने प्रधानाचार्य पर कमरा बंद करके बाल काटने का आरोप लगाया। वहीं परेशान छात्र ने परिजनों के साथ एडीएम से इस मामले की शिकायत की। पीड़ितों ने कहा कि अगर प्रधानाचार्य पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। वहीं एडीएम ने एसपी को जांच के आदेश दिए हैं, पत्र भेजा है। जाँच के बाद प्रधानाचार्य के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आपके बाल काट लिए सर के? क्यों काट लिए? चोरी करके नहीं है तो। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सुमित यादव। सुमित यादव, इससे पहले भी आपके भाई बता रहे हैं काटे हैं? हाँ, दो तीन बार काटे। क्या क्या आपने इससे कहा नहीं उनसे प्रिंसिपल सर से क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या क्या कहते हैं? बच्ची ने शिकायत किया था कि जो है स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्ची के बाल काट दिए थे, तो उसके संदर्भ में जो है एडिशनल एसपी साहब को लेटर लिखा गया था और डीआई साहब को लेटर लिखा गया था। और जो जानकारी अभी हुई है उसमें ये पता चला है जो है कि उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और डीआई से जो है उसमें क्या कार्रवाई की गई उससे बात करके जो भी नियम सबक कार्रवाई है वो कराई गई। थाना मेरापुर पर एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध छात्रा के बाल काटने व अश्लील हरकत करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। इस तहरीर पर तत्काल समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पीड़िता का मेडिको लीगल परीक्षण व 164 सीआरपीसी के बयान कराए जा रहे हैं। अभियुक्त की तलाश व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि फरुखाबाद में छात्रा ने प्रधानाचार्य पर कमरा बंद करके बाल काटने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशांत छात्रा ने परिजनों के साथ एडीएम से मामले की शिकायत भी की। पीड़ित ने कहा कि प्रधानाचार्य पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि प्रधानाचार्य ने खुद एक बच्चे पर, एक छात्रा पर बाल उसके काट दिए और उसके साथ अश्लील हरकतें भी बताई जा रही हैं कि की गई हैं, जिसको लेकर एडीएम और एसपी से जांच के आदेश भी को लेकर भी पत्र लिखा गया है। गुरु होकर छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार, ये बहुत ही निंदनीय है। जांच के बाद प्रधानाचार्य के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये खबर फरुखाबाद से है। इस खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, प्रधानाचार्य पे आरोप लगाए कि कमरा बंद करके छात्रा के बाल काट दिए उसने और अश्लील हरकतें भी उसकी पाई गई हैं, इसको लेकर उन्होंने शिकायती पत्र भी दिया है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और प्रधानाचार्य पे क्या कार्रवाई की गई इसको लेकर? जी बताना चाहूंगा कि पूरा मामला थाना मेरापुर क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पे जो पीड़ित छात्रा है वो अपने पिता के साथ बीते दिन शनिवार को पहुंची हुई थी कलेक्ट्रेट, जहां पे उन्होंने
एडीएम को प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं कॉलेज के, वो छात्राओं को बंद करके उनके साथ उत्पीड़न करते हैं और उनके जो दो चोटी नहीं बनाने पर उस छात्रा के बाल कुछ काट दिए थे। और साथ ही वो जो छात्रा थी बड़ी मानसिक रूप से परेशान नजर आ रही थी, उसने यह भी कहा था अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या करने को भी कहेंगे, विवश हो जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक अमला में कार्रवाई तेज हुई, जिसके बाद इस जो आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ जो गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसके खिलाफ पास्को एक्ट की धारा एवं छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आज इस मामले में जब एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति से प्राइम टीवी की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी प्रधानाचार्य उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, टीआईएस को भी उसके कॉलेज के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये सुन रहा, कार्रवाई के निर्देश दिए गए, क्या अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? बताना चाहूंगा कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है लेकिन अभी तक जो आरोपी बताना चाह रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही अभी तक प्रशासनिक रूप से चाहे, क्योंकि ये भी जानकारी आई थी, उसका जो कॉलेज है वो कक्षा 8 तक ही मान्यता प्राप्त है लेकिन वह इंटर तक चला रहा है। इस मामले में अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है और जो पूरा मामला है उसको लगभग 72 घंटे से अधिक समय हो गया है। जी सुंदर, संबंधित खबर पर आप नजर बनाए रहेगा, तब तक इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।